एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे होंडा CB150R के बारे में। इस बाइक की प्राइस, फीचर्स एंड लॉन्च डेट के बारे में बात करेंगे। ये बाइक इंडिया में लॉन्च होगी या नहीं, इस बारे में आज बात करेंगे। अगर आप इस बाइक के लिए वेट कर रहे हैं तो आप वेट करते रहो, क्योंकि ये बाइक इंडिया में लॉन्च हो सकती है। होंडा दो सेगमेंट की बाइक्स को लॉन्च कर सकती है, एक 200cc में और 150-160cc सेगमेंट में। सो काफी ज्यादा चांसेस है कि CB150R इंडिया में लॉन्च हो सकती है, और इसी के साथ साथ CBF190R भी हमें इंडियन टू व्हीलर मार्केट में देखने को मिल सकती है। CB150R डायरेक्टली कम्पीट करने वाली है अपाचे RTR14V से, NS160 और MT15 से। अगर इस बाइक के स्पेक्स की बात करें तो इस बाइक में 149.1cc 4-stroke DOHC सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड लिक्विड कूल्ड इंजन है, जो मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 16.7 PS एट 9000 RPM और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 13.8 Nm एट 7000 RPM विद 6-speed गियरबॉक्स। इस बाइक में आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे विद ट्यूबलेस टायर। अगर बात करें इसके सस्पेंशन के बारे में तो इस बाइक में आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक्स मिलेंगे और रियर में सिंगल स्विंग आर्म सस्पेंशन मिलेगा। ये बाइक एक डायमंड चेसी पे बेस्ड है। इस बाइक में आपको व्हील बेस मिलता है 1293 mm का और ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 169 mm का। इस बाइक की सीट हाइट को इंडियन हाइट ग्रुप को देख के बनाया गया है। इस बाइक की सीट हाइट है 797 mm, जो कि शॉर्ट राइडर के लिए भी काफी अच्छी है, और शॉर्ट राइडर इस बाइक को काफी कंफर्टेबली राइड कर सकते हैं। अगर इस बाइक की कर्व वेट के बारे में बात करें तो इस बाइक की कर्व वेट है 136 kg। तो इस बाइक का पावर टू वेट रेशियो काफी अच्छा है, और इस बाइक में आप 8.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, जो कि थोड़ी कम है। अगर इस बाइक में थोड़ी और ज्यादा फ्यूल टैंक कैपेसिटी होती तो ज्यादा अच्छा होता है। और होंडा इस बाइक की 30-40 kmpl की माइलेज क्लेम करती है। अगर बात करें इस बाइक की टॉप एंड परफॉर्मेंस के बारे में, तो जैसा कि आप सबको पता है होंडा एक बहुत ही प्रीमियम ब्रांड है और इसकी इंजन परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। तो इस बाइक की टॉप एंड परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, और इस बाइक में आपको टॉप स्पीड 150 km/h की देखने को मिलेगी, और इस बाइक में आपको स्लीपर क्लच और ड्यूअल चैनल ABS जैसे भी फीचर्स मिलते हैं। और इस बाइक की इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में बात करें तो इस बाइक में आपको फुल LED हेडलाइट, LED टेल लाइट्स और LED इंडिकेटर्स भी मिलते हैं। और इस बाइक में आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, जिसमें सारे फीचर्स फुली डिजिटल होंगे। और इस बाइक का एक्सपेक्टेड शोरूम प्राइस है 1.40 lakhs। और इस बाइक की एक्सपेक्टेड लॉन्च के बारे में बात करें तो जैसा कि आप सबको पता है लॉकडाउन की वजह से सारी चीजें अभी बंद है, तो इस बाइक की लॉन्च डेट अब लॉकडाउन खुलने के बाद ही सही से पता चल पाएगी। सो ये थी सारी डिटेल होंडा CB150R के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।